और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया। थैंक्स अ लॉट फॉर द 1000 सब्सक्राइबर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप प्लीज़ क्वेरीज, क्वेश्चंस, कमेंट्स जो आप पोस्ट करते हैं करते रहें, आई विल ट्राई एंड आंसर एवरीथिंग। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वैक्सीन क्या है और क्यों इतना टाइम लग रहा है वैक्सीन बनने में। दो दिन पहले ही मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था जो वायरोलॉजिस्ट है, ही इज अ साइंटिस्ट, एंड नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जैसा हम करते हैं, उस कॉन्वर्जेशन में मैंने उससे बोला कि यार कोविड का वैक्सीन नहीं आ रहा, इतना टाइम हो गया और इतने सारे साइंटिस्ट पूरी दुनिया में लगे हुए हैं, फिर भी कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड देन ही एक्सप्लेन्ड मी कि क्यों वैक्सीन नहीं आ रहा है, और उसने मुझे इतनी अच्छी डिटेल्स बताई हैं इस पूरे जो कोविड है या इन जनरल वैक्सीन्स के बारे में, दैट आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ डिटेल्स। सो वैक्सीन बेसिकली क्या है? वैक्सीन जो वीक या फिर डेड जर्म्स हैं जिनसे डिजीज़ हो सकता है, उनका एक स्मॉल अमाउंट होता है जिससे वो बनाते हैं वैक्सीन, जैसे वायरस या बैक्टीरिया या जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको यूज़ करके वैक्सीन बनाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। आइडिया ये है कि जो वायरस या बैक्टीरिया वीक है या डेड है वो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, और आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट फाइट करता है, एंड देन आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है नेक्स्ट टाइम जब एक्टिव वायरस, बैक्टीरिया या टॉक्सिन आपकी बॉडी पे हार्म करने या अटैक करने के लिए आता है। इस तरह से वैक्सीन बनाते हैं। और क्यों इतना टाइम लगता है, उसका रीज़न है कि उसने मुझे बताया बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वैक्सीन डिज़ाइन करने में, इट्स नॉट ईजी। जैसे एड्स का वैक्सीन 20 ईयर्स से रिसर्च चल रहा है, उसके बाद भी नहीं आ पाया मार्केट में अभी तक, क्योंकि जो हर्डल्स हैं वैक्सीन बनाने में वो इतने ज़्यादा हैं कि 20 ईयर्स की रिसर्च के बाद भी वैक्सीन नहीं आ पा रहा है। तो अगर 18 मंथ में भी कोविड का वैक्सीन आता है, देन साइंटिस्ट का कहना है कि दैट विल बी अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंटायर साइंस, कि उन्होंने इतना अच्छा वैक्सीन इतनी जल्दी बहुत शॉर्ट टाइम में निकाला। देन ही टोल्ड मी कि वैक्सीन काम कैसे करता है, एंड बहुत अच्छी एक टर्म होती है, हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी। सो उसमें क्या होता है कि हर किसी इंडिविजुअल को आपको वैक्सीन नहीं देना पड़ता, आप एक कम्युनिटी में सर्टेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन को अगर आप वैक्सीनेट करते हैं तो जो बैक्टीरिया या जर्म है या वायरस है उसको इनफ होस्ट नहीं मिलते जो स्प्रेड होने के लिए, तो तब आप सभी को वैक्सीन नहीं भी देंगे तब भी आप इंटायरली उस डिजीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं एक पूरी कम्युनिटी से, उसे कहते हैं कम्युनिटी इम्यूनिटी। तो वो भी उसने मुझे बताया, एंड आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट, सो इसलिए मैं आपके साथ ये सारे डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। तो वैक्सीन डेवलप करने में कई सारे हर्डल्स हैं या कई सारी प्रॉब्लम्स हैं कि कितना वो टफ है। इसी में सबसे बड़ा हर्डल एक होता है कि आपको जो वायरस या बैक्टीरिया या जिस भी पर्टिकुलर जर्म पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसका आपको बिहेवियर पता होना चाहिए कि होस्ट पे बिहेवियर कैसा है। सो फॉर एग्जांपल आपको ह्यूमंस पे, अभी जैसे कि कोविड है तो आपको ह्यूमंस पे वो पर्टिकुलर वायरस का बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक कैसा आएगा वो आपको देखना पड़ता है, जिसके लिए आप मॉडलिंग करते हैं। यू नीड अ मॉडल जो आपकी हेल्प करे कि वो वैक्सीन जो है वो पर्टिकुलरली एक होस्ट पे कैसा बिहेव करेगा। कोविड के केस में सार्स कोव 2 जो है, जो चाइना ने रिसर्च बहुत सारा किया हुआ था ऑलरेडी, फेरेट एक एनिमल होता है, उसके ऊपर उन्होंने उसको मॉडल बना के कोविड सार्स कोव 2 जो है उसके लिए बहुत सारा डेटा कलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ था, जिसका डेटा उन्होंने पब्लिकली जनवरी में अवेलेबल करवाया, जिसने साइंटिस्ट की काफ़ी हेल्प की, क्योंकि एक आरएनए सीक्वेंसिंग पूरा पता होना चाहिए आपको वायरस का, तभी आप फर्दर रिसर्च उस पर कर पाते हैं। सो वो डेटा जब से अवेलेबल हुआ तब से रिसर्च में थोड़ा सा एडवांसमेंट आया है, एंड दैट्स वाई बहुत जल्दी ही कोविड का जो वैक्सीन है वो आ सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ड्रग ट्रायल्स चल रहे हैं। एंड ट्रायल्स से बात चलती है कि ट्रायल्स क्या है। सो ड्रग की 3 ट्रायल्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट ट्रायल है वो हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर होता है, जो वॉलंटियर्स होते हैं उन पर, एंड उसमें दे मेजर द एंटीबॉडीज इन द ब्लड, और सिर्फ ये इंश्योर किया जाता है वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट या कोई डेंजर तो वैक्सीन के साथ एसोसिएट नहीं है। ये सिर्फ फर्स्ट ट्रायल में किया जाता है। देन स्टार्ट होती है सेकेंड ट्रायल। सेकेंड ट्रायल में लगभग हज़ारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और उन लोगों को वो लोग प्रेफर करते हैं जो ज़्यादा इन्फेक्शन के रिस्क में है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हुए या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको वो टारगेट करते हैं। और क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसकी स्टडी कलेक्ट की जाती है, एंड जो ड्रग के साइड इफेक्ट्स हैं उनको मेजर किया जाता है, इसलिए सेकेंड ट्रायल में बहुत टाइम लगता है, और एवरी साइड इफेक्ट जो वो है वो नोट करते हैं, पूरा डेटा स्टडी करते हैं। जो वैक्सीन सेकेंड ट्रायल को अप्रूव करती है उसे मिलियंस ऑफ लोगों के लिए बनाया जाता है, एंड देन उस पे जो साइड इफेक्ट्स अगर आते हैं, क्योंकि कुछ तो साइड इफेक्ट आएंगे क्योंकि जो स्टडी है वो थाउजेंड्स ऑफ लोगों पे हुई है, बट नाउ आप मिलियंस ऑफ लोगों को वो वैक्सीन देने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो आते ही हैं, जिसको मॉनिटर करते हैं साइंटिस्ट, और जिसे कहते हैं पोस्ट अप्रूवल मॉनिटरिंग। ये तीनों स्टेज हैं, इसके पहले एनिमल वाला जो मॉडल बनाने वाली स्टेज है, और उससे पहले आरएनए सीक्वेंसिंग वाली स्टेज है। ये सारी स्टेजेस पाइपलाइन मॉडल में चलती हैं, तो अगर आप किसी भी स्टेज में कोई गलती कर देते हैं या आपको कुछ ऐसा साइड इफेक्ट मिलता है या कोई भी स्टेज फेल होती है, देन यू हैव टू रीस्टार्ट, क्योंकि हो सकता है आपने कहीं ना कहीं सीक्वेंसिंग में गलती की हो या और किसी
पर्टिकुलर स्टेज में एरर हो. तो बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट होता है. साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करते हैं, एक एक प्रोटीन स्टडी करते हैं जो भी पर्टिकुलर जर्म्स उससे रिलेटेड. सो बहुत सारी स्टडी, बहुत सारा टाइम इसमें लगता है. एंड वी शुड बी रियली थैंकफुल टू अवर साइंटिस्ट कि वो इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके इस तरह की वैक्सीन अगर आएगी. तो साइंटिस्ट ने तो यही कहा है कि 18 मंथ्स में अगर आती है तो दैट विल बी अ माइलस्टोन फॉर साइंस. सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको ये समझ में आया हो कि वैक्सीन कितना बड़ा काम है बनाना. क्योंकि मैं तो अवेयर नहीं था इन सब चीज़ों से कि वैक्सीन बनाना इतना बड़ा काम है. बट जब मुझे इतना सब कुछ पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी मेहनत है या इतना सारा वर्क जो है, डेडिकेशन, वो जाता है इसमें. सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई होप आप सभी लोग सेफ हैं. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम. आई होप कि जल्दी से वैक्सीन जो है वो बन के आ जाए. मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.